प्रेस मीडिया, मैं हूं आपके साथ साक्षी रुटेजा। हम दिल दे चुके सनम के लगभग 2 दशक बाद संजय लीला भंसाली और सलमान खान एक साथ एक फिल्म के लिए सहयोग कर रहे हैं। इस बार यह एक प्रेम कहानी होगी। आपको बता दें कि साल के दूसरे भाग यानी कि अगले 6 महीने बाद फिल्म आने की उम्मीद जताई जा रही है। ईद के बाद हो सकता है कि संजय लीला भंसाली ने अपने निर्देशन पद्मावत की रिलीज से पहले सलमान के साथ विचार पर चर्चा की थी। सलमान उनके साथ फिल्म करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। संजय एक साथ 3 स्टोरीज पर काम कर रहे हैं और कई बड़े अभिनेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस पर आगे बढ़ने का फैसला किया है जिसे सलमान द्वारा निर्देशित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को सलमान खान के द्वारा ही बनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तारीखों का अभी तक पता नहीं चल पाया है क्योंकि सलमान को दबंग 3 भी लपेटनी है, यानी कि दबंग 3 भी पूरी करनी है और रिपोर्ट के अनुसार भंसाली द्वारा संगीत तैयार किया जाएगा ऐसा सुनने में आ रहा है। सलमान ने भंसाली के साथ हम दिल दे चुके सनम में काम किया था। इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी अभिनय किया था। फिल्म के सेट पर सलमान और ऐश्वर्या के बीच प्यार पनप गया और यह उनकी मैग्नेटिक ऑन स्क्रीन मिस्ट्री पर छा गया। हालांकि 2 साल बाद उन्होंने इसे क्विट किया और तब से एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। इस बीच सलमान पीरियड ड्रामा भारत में व्यस्त हैं, जिसमें तब्बू, दिशा पटानी और कैटरीना कैफ है। इसे अली अब्बास जफर द्वारा अभिनित किया जा रहा है। इतने लंबे समय बाद अब हो सकता है सलमान खान फिर से संजय लीला भंसाली के साथ दिखाई दें और ये भी हो सकता है कि फिर से सलमान खान लंबे समय बाद ऐश्वर्या के साथ उस सीक्वल में दिखाई दे जो कि हम दिल दे चुके सनम का हो सकता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी अप टू डेट स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए PMS मीडिया।